अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी आएगी। अब गांव में भी सफाई व्यवस्था के लिए कचरा उठाने पर ग्राम पंचायत हर माह शुल्क वसूल करेगी। यानी गांव में अब उन लोगों ने खुले में कचरा फेंका या गंदगी की तो ग्राम पंचायत उस व्यक्ति से जुर्माना वसूलेगी। गांव में कचरा फैलाया तो अब खैर नहीं, अब गांव में लगेगा कचरा उठाने का हर माह शुल्क। 10 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक लगेगा शुल्क। अब तक आपने शहरों में घर घर से कचरा उठाने वाली गाड़ियों को कचरा उठाते देखा होगा, लेकिन अब गांव में भी कचरा उठाने के लिए डोर टू डोर वाहन जाएंगे। यानी स्वच्छता अभियान का तराना अब गाँव में भी गूंजेगा। प्रदेश में अब ग्राम पंचायतें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत अपने क्षेत्र में सफाई के बदले शुल्क वसूला करेंगी। नए नियमों के तहत ग्राम पंचायतों में सफाई करने वाले स्वयं सहायता समूह के कर्मचारी घर घर या दुकानों से कचरा संग्रहण करेंगे। इसके लिए ग्राम पंचायत पर ई रिक्शा का संचालन होगा जो भोंपू बजाकर कचरा लेगा। मकानों और दुकानों के आगे कचरा पात्र रखे जाएंगे। घर घर कचरा संग्रहण के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। सामान्य रूप से सुबह 7 से 11 बजे तक कचरा संग्रहित किया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों से सुबह 9 से 12 बजे तक कचरा संग्रहण किया जाएगा। हमने इसमें घर घर कचरा उठाने का काम लिया है। गली मोहल्ले पे गली है, मोहल्ले में झाड़ू लगाना, वहाँ पे नालियों का निर्माण करवाना, साफ सफाई करना, नाली निर्माण है, इस तरह के काम हम ले रहे हैं। और इसके लिए हमने 532 ग्राम पंचायतों की जयपुर जिले की DPR बनाकर हमने विभाग को भिजवा दी है। कचरा उठाने के लिए घर आवासीय निवास स्थल के लिए प्रतिमाह 10 रुपए से अधिक शुल्क लिया जाएगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकान, ढाबा, चाय की थड़ी से 150 रुपए प्रतिमाह, होटल, बड़े रेस्टोरेंट से 500 से 800 रुपए प्रतिमाह, सरकारी कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान में 250 रुपए प्रतिमाह, सभी तरह के क्लिनिक, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी से 500 रुपए प्रतिमाह, शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी और मेले में 1,000 रुपए तक वसूले जाएंगे। गांव में अब लोगों ने अपने मकानों और दुकानों के आगे सड़क पर कचरा फेंका या खुले में स्नान किया या थूका तो ग्राम पंचायत उस व्यक्ति से जुर्माना वसूलेगी। आबादी वाले इलाके में सड़क गली में कचरा फैलाने पर एक बार में 100 रुपए वसूले जाएंगे। दुकानों के आगे कचरा डालने पर 100 रुपए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, खुले में स्नान और पेशाब करने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। खुले में शौच करने वालों से 100 रुपए और गोबर डालने वालों से 200 रुपए वसूले जाएंगे। इसी प्रकार मकानों और दुकानों के आगे प्लास्टिक जलाने पर 100 रुपए, प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग करने पर 50 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो चूंकि अब लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी, तो ये तय हुआ कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक मॉडल टॉयलेट जो है वो 50,000 रुपए की लागत से बनाई जाए। तो ये 3 काम जो है वो इस साल के पूरे होते होते हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इस तरह की सामुदायिक परिसंपत्तियां निर्मित और सृजित हो जाएंगी जो कि स्वच्छता के संदेश को फैलाने में मदद करेगी। कचरा प्रबंधन कार्य योजना की पंचायतों की ओर से भेजी गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन सरकार ने कर दिया है। स्वच्छता मिशन के तहत गंदगी से निजात पाने का ये कदम सराहनीय है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत अब शहरों की तर्ज पर गांव में भी घर घर से कचरा संग्रहण का काम किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतें 10 से 3,000 रुपए तक शुल्क भी वसूलेंगी। साथ ही घरों और सड़कों पर कचरा फैलाने वालों से जुर्माना लगाने की तैयारी भी ग्राम पंचायतों ने शुरू कर दी है। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। जिन बच्चों को मां बापों